धन्यवाद, शुक्रिया, कृपया विराजमान हो जाइए। हेलो अर्चना जी। हेलो कपिल। कितना अच्छा लगता है, दुकान खुलते ही सामने ग्राहक बैठे हैं। ये दुनिया में दो ही जगह ऐसी, एक हमारा शो, दूसरा शराब के ठेके। जो खुलने से पहले ही लोग आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। अच्छा, विदेशों में जहाँ भीड़ होती ना वहाँ लिखा रहता है प्लीज मेंटेन ए क्यू। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ भीड़ होती ना वहाँ लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान। तो ये पढ़ते ही लोग ना अपना पर्स निकाल के आगे वाली जेब में डाल लेते हैं। भीड़ है ही इतनी। अच्छा, विदेशों में आप देखना शादी में 8-10 लोग ही होते हैं, हमारे यहाँ होती भीड़। ऐसे में जब सड़क से बारात निकलती है ना तो 2-4 बुजुर्ग रिश्तेदार तो पीछे रह जाते हैं। वो तो जब लड़की वालों के वहां पहुंचते ना, बुलाओ भी लड़के का दादा का, बोलते पीछे रह गए। तो फिर जो लड़की का दादा होता है कहना कोई बात नहीं दादा पीछे रह गया, दादी से मिलवा दो। मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ जो होती है वो आप सब जानते हैं, सांस लेने तक की जगह नहीं होती। पतले दुबले लोग तो फिर भी चलो एडजस्ट कर लेते हैं। ये पांडे जैसे लोगों को दिक्कत आती है जो ड्रम पे बैठा ना, क्योंकि इन्हें सांस भी रोकनी पड़ती है पर जगह भी रोकनी पड़ती है। एक बार इसने कहीं बीच में से ही सांस छोड़ दी तो इसके पेट के धक्के से ना जिसको अंधेरी उतरना था वो जोगेश्वरी उतर गया। अच्छा, जहां भीड़ होती है ना वहां पे लोग धंधा शुरू कर देते हैं। एक बार ये गोपाल अपना ना, ये भीड़ में कहीं फंस गया, ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ओहो। तो वहां पे एक बंदा आ गया बैलून बेचने वाला, कहता बैलून ले लो। कहता मैं क्या करूंगा बैलून को, उसने बिना फूला हुआ बैलून दे दिया। कहता ये ले लो। कहता ये क्या करूंगा, कहता ये जो लड़की के मुंह में भूख मार रहे हो। तो मैं आगे चल के भेज दूंगा, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, ये तो माहौल बनाने के लिए मैं थोड़ा बातें कर रहा था। मैं भीड़ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी नाम से एक फिल्म आ रही है और आज उस फिल्म से जुड़े हुए कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर आशुतोष राणा, मिस्टर राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, दिया मिर्जा, कृतिका कामरा और फिल्म का डायरेक्टर मिस्टर अनुभव सिन्हा। वेलकम वेलकम कृतिका, वेलकम वेलकम। आप सभी का हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और भीड़ के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमने ट्रेलर देखा है, बहुत ही कमाल का है और उतना ही सेंसिटिव मुद्दा भी है जी। और बहुत बहुत बधाइयां आपको। थैंक यू। अब आप मुझे भी बधाई दो ज्विगाटो के लिए। बहुत बधाई हो ज्विगाटो। सभी जगह मेरे काम की तारीफ हो रही है। आपने देखी कि मैं इंटरव्यू रोक दूं इधर ही अभी, मतलब मुझे पता है फिल्म बनाना तो मुश्किल काम है ही, प्रमोशन करना कितना मुश्किल है ये मैं अभी कल ही समझा। मतलब मैं कल ही वापस आया हूँ। आप कपिल के शो में गए कि नहीं? वहां नहीं जा पाए यार। ओह, वैसे तारीफ तो करनी होगी हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा की, हमने ऑस्कर में 2 अवार्ड जीते हैं और इसमें इन तमाम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने भी सुबह 5 बजे उठ के लाइव देख के तालियां बजाई मेरी तरह। और आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो यहाँ बैठिए ना। अच्छा, आप सभी भीड़ में हैं, आई मीन भीड़ मूवी में हैं। तो अदरवाइज देखा जाए तो रियल में ये वो कलाकार हैं जो लाखों करोड़ों की भीड़ में से निकल के आज इतने बड़े स्टार बने हैं। सो इनके लिए जोरदार तालियां। आज आप सब इनको बाखूबी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजकुमार भाई, सर आप भी सहमत होंगे, कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में कभी आप भीड़ में कोई छोटा छोटा रोल किया आपने? हाँ, मैंने तो किया है। जब मैं नया नया मुंबई आया था 2008 में, तो मैंने ऐसी कुछ 3-4 एड्स किए हैं जहाँ पे कुछ ऐसे 150 लोग थे, तो उसमें से एक मैं भी हूँ जो चौथी लाइन में पीछे खड़ा हूँ। अच्छा जी। तो ऐसे बहुत सारे किरदार किए हैं। भूमि, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ सीधे मेन हीरो नहीं आई हूँ? हाँ यार, मतलब मेरा डेब्यू ही ऐसा था कि धमाकेदार, एकदम दमदार। नहीं, मतलब मैं लड़कियों से तो मैं पूछना ही चाहूंगा क्योंकि इतनी खूबसूरत हमारी मेहमान है, ये भीड़ में खड़ी भी होंगी तो अलग से नजर आ जाएगी। पर दिया, आप काफी, आई वाज अ बैकग्राउंड डांसर इन अ सॉन्ग। अच्छा जी। सॉन्ग का नाम क्या था मेरे को याद नहीं है, पर उसके जो पैसे जमा हुए थे उस शूट के, उन पैसों से मैंने अपना पहला पोर्टफोलियो शूट करवाया था। अच्छा, वाह। मुझे अपना भीड़ वाला किस्सा याद है, मैंने आपको बताया हुआ बहुत बार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप चीफ गेस्ट आए थे, हम भीड़ में खड़े थे। मैंने कभी नहीं सोचा था वो आज चीफ गेस्ट मेरे शो पे आएंगे। वाह।
मैंने ना बोला भी था उनको, वो बहुत भीड़ थी सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ना, तो आगे ना जाने दे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो मैंने उनको कहा मैं यार आशुतोष राणा जी को पर्सनली जानता हूँ, तो हाँ वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी तो हम पंजाब से गए थे। झूठ बोलना पहले से मतलब तेरा जी। तो वो मुझे आगे आगे ले गया ऐसे ऐसे करके, तो बिल्कुल पास आ गया तो कहता जाओ। मैं कहा क्या बात करूं, कहता आप तो जानते हो। तो मैं कहा फिल्मों में देखा है, जानता ही उसमें क्या। दिया के बारे में आप सब जानते ही, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जब आपको अनुभव सर ने कहा कि आपको भीड़ में काम करना है, तो आपने कहा नहीं भीड़ नहीं करनी चाहिए, सफोकेशन होती है। कभी कभी आप भीड़ में फंसी हैं दिया, आप इतनी पॉपुलर हैं। अच्छा आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द कपिल शर्मा शो फॉर बीइंग जीरो वेस्ट एंड जीरो प्लास्टिक। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सवाल क्या था? कुछ बिना मतलब का ही होता है, उसमें कोई खास बात थी नहीं। पर मैं ऐसे बोलता हूँ, कभी भीड़ में फंसी हैं आप दिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आप स्टार बन जाते हो, पॉपुलर हो जाते हो, बहुत बार ऐसा होता है, चाहे प्रमोशन के लिए गए हो या किसी इवेंट में गए हो। बहुत बार हुआ है, इनफैक्ट शूट्स पे भी बहुत हुआ। अच्छा है, एक बार हम सलमान के साथ एक गाना शूट कर रहे थे, जयपुर के आउटस्कर्ट्स पे शूट कर रहे थे। अच्छा, और कुछ 500 लोगों ने हमारे गाड़ी को चेस किया लोकेशन से लेके होटल तक, और इट वॉज वेरी स्कैरी। हालांकि वो आपको प्यार करने वाले लोग ही होते हैं, पर फिर भी लेकिन तरीका 500 लोग इकट्ठे आ जाए तो हाँ लगता तो है। हाँ तरीका प्यार भरा नहीं था उतना। अभी राजकुमार भाई, भूमि, अनुभव सर है ना, आशुतोष सर, ये हमारे मतलब हमारा तो पैकेज ही है, हम लोग मिलते रहते हैं हमारे शो पे, क्योंकि फिल्में भी करते रहते हैं। दिया काफी समय बाद आई है, और कृतिका जो है पहली बार हमारे शो पे आई है। कृतिका बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और आप सब जानते भी हैं कि कृतिका का सोनी पे बड़ा हिट सीरियल था कुछ तो लोग कहेंगे, और इसके बाद कुछ लोगों ने इनको कहा भी कि सीरियल तो ठीक है लेकिन कपिल शर्मा शो में कब जाएंगी। तो ये चाहती तो अकेली भी आ सकती थी, फिर इनको राजकुमार जी ने राव दी कि इंसान भूमि पर रहे और अनुभव के साथ जाए तो ही अच्छा लगता है। मैंने बड़ी कोशिश की सर, राणा एडजस्ट नहीं हुआ बीच में। देखिए वर्ड प्ले मैंने किया है, कृतिका क्यों नहीं आई जब हम एक ही चैनल पे काम करते हैं। सर इससे बेहतर क्या चांस हो सकता था, जैसा कि आपने कहा कि इतने एस्टीम्ड गेस्ट के साथ यहाँ आना, वो भी इतनी स्पेशल फिल्म के लिए। नहीं नहीं, ही वांटेड यू टू कम अलोन, ये घुमा फिरा के बोल रहा है। इनको सारा पता अम्मा को मेरे बारे में, मतलब ना इनसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। और भूमि और काफी बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी। मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है अभी भूमि उठ के ना भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे। अच्छा मेरा आप तीनों लड़कियों से सवाल है कि हम लड़कों का तो चलो चलता है, हम मेकअप करके भी सेम ही दिखते हैं। ये फिल्म जो है ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है। हाँ। आपने कभी कहा नहीं कि सर हमने इतने कलरफुल कपड़े पहने, इतना अच्छा मेकअप, इतनी अच्छी स्टाइलिंग भी की है, हमारा पोर्शन तो कलर्ड कर दो। आपने कभी नहीं बोला इनसे हमारा पोर्शन। आपने हमारी हेयर स्टाइल्स, हमारा मेकअप ट्रेलर में देखा ना, तो वो ऐसा था कि हमारी परफॉर्मेंस से हमने इतने रंग जमा दिए इस फिल्म में। क्या बात है, रिस्पेक्ट कपिल। एक्चुअली अनुभव भाई इस सत्य को जानते थे कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये तीनों खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं कि एक नूर नूर है, हजार नूर कपड़े और लाख नूर जेवर और करोड़ नूर नखरे। जब नखरे हो तो फिर आपको किसी भी कलर की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा, क्या बात है। बट इतना मजा आया इस फिल्म में काम करके, क्योंकि पहली बार मेकअप नहीं लगाना पड़ा। अच्छा जी। बालों का कोई झंझट नहीं था। हम लोग बस कपड़े वही कपड़े रोज 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 पहन पहुंच जाते थे। नहीं लेकिन इसमें प्रोड्यूसर की एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि मेकअप मैन गए नहीं थे। अच्छा। उनको पेमेंट हुआ है। पसीना पोंछने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक वैसे ही जैसे मैंने भी ज़िगाटो में कोई मेकअप नहीं किया। ज़िगाटो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सिंसियर फिल्म दिख रही है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू सर। हमारा प्रमोशन तो होता रहेगा। मैंने जानबूझ के नहीं किया, नंदिता का काम है। मैं लेकिन कंफर्ट लेवल के बाहर की परफॉर्मेंस है। थैंक यू सर, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट टुमारो। थैंक यू सर, लव यू, शुक्रिया। अनुभव सर एक बात बताइए, लोग पुरानी फिल्मों को, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को कलर करने में लगे हुए हैं,
आप कलर के जमाने में भी ब्लैक एंड व्हाइट इसको शूट किया है, इसके पीछे क्या कारण है सर? यार वो एक दिन हम लोग ना, मैं राइटर्स, कैमरामैन, मार्केटिंग का हेड, प्रोडक्शन का हेड, हम लोग किधर एक अलीबाग में किसी एक बंगले में हम लोग 2-3 दिन काम कर रहे थे, तो ये ख्याल वहाँ पे संडे आया कि फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं। तो मैंने बड़े डरते डरते बोला और मुझे लगा ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले DOP आया शौमिक, वाओ। फिर प्रोडक्शन डिजाइनर निखिल, वाओ। मार्केटिंग वाला तब तक चला गया था। तो हाँ, तो सबसे ज्यादा खतरा उससे था। उससे था हाँ। तो वो जब पहुंच रहा था बोट पे, बोट लेके वो गेट पे इंडिया जाएगा। हाँ। तो मैं उसको फोन किया, मैंने कहा अमित ब्लैक एंड व्हाइट बनाए। तो पॉज आया, बोला आउटस्टैंडिंग आइडिया। मैं कहा बस खत्म हो गई बात। क्या बात है सर, लवली आइडिया। पिछली बार मैंने अनुभव सर से पूछा था कि आप हर बार किसी नए मुद्दे पे फिल्म बनाते हो, कोई तो ये भी पूछ रहा था कि आपने प्रोडक्शन हाउस ही खोला कि NGO खोला हुआ है। मतलब कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि अगर अनुभव सर को ऐसे 2000 का नोट पड़ा हुआ मिल जाए ना, तो ये नोट नहीं उठाएंगे, मुद्दा उठा लेंगे कि देखो रुपया गिर रहा है। तो अच्छा लगता है सर, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। यार कला अपने दौर की गुलाम होती है। क्या बात है सर, बहुत। तो मेरी कला मेरे दौर की गुलाम। बहुत बहुत अच्छा, क्या बात, क्या बात है। आशुतोष सर की लेटेस्ट फिल्म देख लो आप, आजकल शाहरुख सलमान के बॉस बन गए हैं ये। है ना, फिल्म में उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि पठान वापस आ जाओ, पठार और टाइगर इनकी मान भी लेते हैं। राणा जी, कोई ऐसा है जिसका ऑर्डर आप मानते हैं? रेणुका जी। बिना एक सेकंड का पॉज लिए राणा जी ने झट से नाम लिया है। वाह। पर सर आप जब भी आते बड़ा मजा आता आपको देख के, आपकी हिंदी के हम इतने कायल है ना। आपको पता कस्टमर केयर वाले का जब फोन आता ना, तो बोलते हैं कि हिंदी के लिए एक दबाए, शुद्ध हिंदी के लिए दो दबाए। और आशुतोष राणा जैसी हिंदी के लिए उन्हीं को फोन लगाए, हमको नहीं आता। सर कुछ कुछ को दो पंक्तियां कुछ आपने कुछ नया लिखा हो। मैं आपकी इस वाली बात का कि अनुभव भाई ने जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसका जो इन्होंने आपको हल बताया वो बताया, लेकिन मुझे जो लगा करते हुए एक अभिनेता के रूप में, कलाकार के रूप में, वो ये लगा कि ये इतनी बड़ी वैश्विक त्रासदी थी कपिल जी, कोरोना, कि एक ना दिखाई देने वाली चीज ने इंसान को, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी कांख में चपेट के रख लिया हो, अपने कदमों के नीचे कुचल रहा हो, कि अकेला धरती ही नहीं, आप चंद्रमा से लेके मंगल और पता नहीं कहाँ कहाँ आप डिस्कवर कर रहे हैं, उस ना दिखाई देने वाली चीज ने उसके कदमों को 4x4 के कमरे में रोक के रख दिया था। वाह वाह। तो ये एक इतनी बड़ी चुनौती थी मनुष्य के सामने, और चुनौतियां कभी भी रंगीन नहीं होती, चुनौतियां हमेशा या तो श्वेत होती हैं या श्याम होती हैं। अगर आप इसको बिग बैंग से हम और आप देखें, कि जब ये कहा जाता है कि एक महान अंधकार था और उसमें एक महान विस्फोट हुआ जिसकी परिणति कहीं ना कहीं हम और आप हैं, जब हम इस श्वेत और श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट की अवस्था को, चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तब कहीं हमारी जिंदगी सतरंगी हो जाती है, रंगीन हो जाती है। तो ये एक ऐसी घटना थी जो 1920 में घटित हुई थी और उसके बाद 2020 में घटित हुई, जिसने हर व्यक्ति की विशेषता को खत्म करके उसको शेष बना दिया था, और उस व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं था, और वो लगातार निरंतर सिर्फ कहीं भाग रहा था। कहाँ से भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, ये उसको नहीं पता। तो मुझे लगता है कि शायद जब मैं कर रहा था और मुझे लगा कि इसको ब्लैक एंड वाइट ही होना चाहिए, और वो इन्होंने कही ये, हालांकि पूरी बात बताते नहीं है, छिपा के ये घुमा देते हैं कि मार्केटिंग की बात है, और उसमें फिर वो DOP ने मुझसे कहा, ये बहुत चतुर और चालाक और चुस्त आदमी है, इनको मैं 1993 से जानता हूँ, और ये बिल्कुल वैसी एक गज़ल है ना, आप खूब अच्छे गाते हैं, कि भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो ये वो वाली भीड़ है, कोरोना का ये जो काल था ये बिल्कुल वैसा ही था कि आप 100 लोगों में भी आप अकेले थे और अकेले में भी आप अकेले थे। तो ये वाली जो त्रासदी है, आपने मुझसे पद्य सुनाने कहा था, मैंने गद्य को पद्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वाह सर, क्या बात है, शब्दों के जादूगर हैं आशुतोष सर आप। हम सब ने कोरोना में जो हमने देखा है, हम सबको भगवान ने शायद लग्जरी दी है, कुछ ना कुछ हमारी जरूरतों से ज्यादा है हमारे पास। तो हम तो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, पर जो त्रासदी लोगों ने झेली है, ये फिल्म को देखने के बाद अगर हमें
अगर एहसास हो कि भगवान ना करे कभी आगे चल के, जैसे सर ने कहा कि 1920 में भी ऐसा कभी कुछ हुआ था, उसके बाद 2020 में ऐसा हुआ, हम अपने ही चीज़ों से सीख सकें। हालांकि हमारे देश की खूबसूरती है कि इतने इमोशनल लोग हैं कि गवर्नमेंट तो कर ही रही थी अपने प्रयास, लेकिन लोग भी अपने अपने लेवल पे जो कर सकते थे कर रहे हैं। सो सर आपने बहुत अच्छा किया इस मुद्दे के ऊपर फिल्म बनाई, और एंटरटेनमेंट तो होता ही है, पर सर जिस तरीके से आपने दिखाया है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। जब ज़्यादा सियानी सियानी बातें करते तो हमारी ना रेटिंग नहीं आती तो हम अपने वापस उसी पे आ जाते हैं। सर हाल ही में पठान ने 1000 करोड़ किए हैं, आप उनके बॉस बने हुए हैं, ठीक है, हर जगह खबर आ रही है। तो हमारे होता ना आस पड़ोस में लेडीज महिलाएं बुआ चाचियां पूछती हैं कि बेटा 1000 करोड़ में तुम्हें कितने मिले, तो कभी आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं कोई आस पास बगल पड़ोस वाले? बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन मुझे बड़े शास्त्रों में लिखी हुई बात याद है कपिल जी, कि भोजन भजन खजाना यारी ये सब पर्दे के अधिकारी। अच्छा। इसलिए आपको भोजन भजन भोजन भजन खाना भी आप अकेले में खाइए, अच्छा जी, भजन भी आप अकेले में कीजिए, अच्छा जी, खजाना भी जो है उसको अकेले में करिए गिनिए, और यारी मतलब प्रेम प्रसंग ये भी अकेले में करिए। यारी मतलब लड़के लड़कों की कि महिलाओं वाली? सर इसमें एक्चुअली यारी जो होती है वो मतलब प्यारी के साथ वाली यारी की बात। अच्छा जी, वाह। तो ये सब पर्दे में रहना चाहिए, तो जब तक पर्दे में रहती हैं तब तक लोग पूछते रहते हैं कि कितना मिला। वाह क्या बात। क्योंकि क्या है कपिल, जिस कलाकार की कीमत आपको याद रखे, समझ लीजिए कि वो अदाकार है, और जिसका किरदार आपको याद रहे समझ लीजिए वो कलाकार है। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो राजकुमार भाई जब सेट पे जाते थे सीधा शूटिंग शुरू होती थी कि या पहले गुरुदेव का प्रवचन होता था? तो बहुत प्यारी लिखते हो शोज, जैसे कपिल क्या जाना है कल है? तो पूरा कल जैसे कपिल क्या जाना है तो कल रात रिसर्च होमवर्क लिखते लाइनें। अपने आप में कपिल के सवाल इतने खूबसूरत होते हैं कि जवाब कि अपने आप जवाब निकलते हैं। तो ये जवाब मेरे नहीं है, ये रिफ्लेक्सेस हैं कपिल। क्या बात है, क्या बात है। मेरा ये मानना है कि कपिल जो है वो उन हीरो में से हैं कि हीरो के बीच में अगर कांच का टुकड़ा भी डला हो तो वो हीरे की रुतबा पा लेता है। क्या बात है, क्या बात है। कांच का टुकड़ा कौन है वो बताओ पहले, कांच का टुकड़ा हम तो मैं तो हीरो मैं कांच का टुकड़ा हूँ, आप लोगों के रिफ्लेक्शन से कहीं ना कहीं हीरो के रुतबा मुझे भी मिल जाता है। राजकुमार भाई के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं, जिस करेक्टर में ये जाते हैं आप पूरा उसमें रमे होते हैं, और सो प्राउड ऑफ यू भाई, बहुत बहुत कमाल के एक्टर हैं आप। पिछले महीने इन्होंने नोरा फतेही के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया, मैं हमेशा बड़ा प्राउड फील करता हूँ आपकी फिल्में देख के, उसमें मेरे को बड़ी जलसी हुई क्योंकि म्यूजिक वीडियो मैंने भी किया टी सीरीज के लिए एक, लेकिन नोरा की जगह छोरा डाल दिया गुरु रंधावा, मैंने गुरु रंधावा के साथ किया। तो मेरे को खाली एक बात पूछनी थी भाई, ये नोरा के साथ वीडियो किया आपने, ये एनओसी लेनी पड़ती कहीं से मतलब क्या है? भूषण सर के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सारा काम कर रहे हैं हम साथ में, तो उन्होंने कहा था कि एक म्यूजिक वीडियो है राज, मैं चाहता हूँ कि तुम करो, और गाना क्योंकि हम सब ने सुना इतना पुराना अच्छा सेला दिया, एक कल्ट सॉन्ग है, तो उसका मुझे रिक्रिएशन बहुत पसंद आया था, तो इसलिए वो किया। लेकिन आपका भी मैंने देखा, आपका छोरा के साथ भी गाना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नोरा है तो इसलिए अच्छा है, छोरा वाला भी अच्छा है वो ठीक है। अच्छा फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा कि राजकुमार एक इंटेंस सीन में जहां आशुतोष सर इनको थप्पड़ मारते हैं, तो भाई आपको उस समय दिमाग में आया था कि जिस तरीके के वो एक्टर हैं वो भी अपने किरदार में पूरा घुस जाते हैं, और जिस तरीके के ये डायरेक्टर हैं बड़ा ही रियलिस्टिक तरीके से शूट करते हैं, एक सेकंड के लिए दिमाग में आया था कि कहीं ये इनको सच्ची ना कह दें कि हो जाए? सच में ही मारा था हैं? मैं मार नहीं रहा था, मैंने कहा मत करो, लेकिन ये इतने ईमानदार एक्टर हैं कि उन्होंने कहा सर मारिए, मैंने कहा मत करो, बोले नहीं सर मारिए, मैंने कहा मत करो, बोले नहीं मारिए, और फिर ये आ गए अनुभव जी, बोले कि जब वो कह रहा है पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अनुभव सर इतनी सीरियस मुद्दों पे फिल्में बनाते हैं, पर इनके सेट पे जितना मजा आता है ना, हम लोग शूट करते थे कुछ ऐसा 9 से लेकर 3:30 बजे तक, बिकॉज विंटर्स में शूट करते थे तो लाइट चली जाती है, हो जाती है। उसके बाद ये लखनऊ में मंगाते थे वहाँ की फेमस चाट के काउंटर। अच्छा, इतना सुकून है इनके सेट पर ना, क्या आपको 7 घंटे का काम करना है और 3 घंटे की
बहुत ही मजे करने अच्छा मजे मजे में काम होता है तो आपने मजा किया तो लोग भी मजा करते हैं आपके काम को तो ये जो चाट आती थी भूमि और इसको मैं जानता हूँ पता नहीं कुछ 450 साल से ये वैसी है कि जब भी इंस्टा पे कोई सुंदर फोटो लगाती है तो मैं इसको मैसेज भेजता हूँ कि पुरानी फोटो में क्यों डाल रही है एक्चुअली कृतिका आपने भी लखनऊ की चाट खाई सर मैं तो वेट करती थी बहुत ही कमाल की चाट थी एक्चुअली अनुभव सर बहुत अच्छा खाना ढूंढ लेते हैं कुछ रोज कुछ नया आता था सेट पे अरे ढूंढ ही लेते हैं इनके अपने ठेले हैं लखनऊ में दिया आपकी अनुभव सर के साथ ये चौथी फिल्म है आई थिंक है ना तो ये हर बार पेमेंट बढ़ा के देते हैं कि पिछली वाली पेमेंट रोक लेते हैं और उसको वसूलने के लिए आपको अगली करनी पड़ती है उसका वसूली कर रही हूँ पहली बार जब इसने काम किया ना हम लोगों ने साथ में बहुत सारे वीडियोस किए थे अपन ने 2000 में क्या हुआ एक बड़ा छोटा सा रोल था 10 में अच्छा जी तो मैं कनाडा चला गया शूटिंग करने इधर मेरे प्रोड्यूसर ने इसको पटा लिया कि हाँ तो वो कर ले मैंने इसको कनाडा से फोन किया मैंने कहा तू क्यों करी वो रोल है उसमें कुछ नहीं दो सीन है एक छोटा सा गाना है तो उसने बोला मुझे पता है मैं क्यों कर रही हूँ मैं क्या कर नहीं मिले आप में से किसी को मालूम है कि तुमबिन एक हफ्ते में उतर गई थी थिएटर से अच्छा तो कला की जो सक्सेस होती है ना वो कई सालों बाद पता चलती है तुमबिन के एक हफ्ते पहले कौन सी पिक्चर आई थी तुमबिन के साथ कौन सी पिक्चर आई थी तुमबिन के अगले हफ्ते कौन सी पिक्चर आई थी लेकिन तुम भी ना आज 21-22 साल हो गए तो हम लोग एक जो है कला को कला की तरह देखने की जो कला है वो भूलते जा रहे हैं एक कमाल की बात और बताता हूँ आपको ये जो सारे नंबर आप लोग आजकल व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हो पढ़ते हैं ना ये सब झूठ होते हैं ये वो नंबर क्या होते हैं वो आप क्या सुनते हैं उसका असल नंबर इसमें इंडल्ज करना बंद कर दीजिए पहले जमाने हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो जब सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे फिल्में आती थी तो दो जवाब होते थे फिल्म देखने के बाद अच्छी है नहीं अच्छी है तीसरा कोई जवाब नहीं होता था करें. तो फिल्म सिर्फ इस नियत से देखने जाइए कि अच्छी है या खराब है और आपको कैसी लगी बस उसने कितना बिजनेस किया बनाने वालों का ये होना चाहिए कि भाई ये बड़ा दिल कर रहा है बनाने का बना देते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं मन किया कि ये रोल आशुतोष करना चाहिए तो आशुतोष करना चाहिए प्योरिटी जा रही है फिल्म आर्ट को बनाने और कंज्यूम करने दोनों में वो बहुत चिंता का विषय सॉरी आप लोग सीरियस नहीं नहीं सर अच्छा मजा मत बुलाया करो नहीं नहीं अरे नहीं सर मजा आता है मुझे जैसे आपने तुम्बिन की बात की सर मैंने सुना है मेरा नाम जोकर भी शायद शुरुआत में इतनी नहीं चली थी बिल्कुल नहीं चली शोले नहीं चली थी अच्छा जी नहीं नहीं मुगले आजम नहीं चली थी फर्स्ट वीक ओह वाओ वाह रहना है तेरे दिल में के साथ भी ऐसे ही हुआ था अच्छा जी अरे शर्मा जी ओह हाय शर्मा जी मैं अंदर अकेले घर की सफाई कर रही हूँ तुम यहाँ गप्पे लगा रहे हो ये तुमने बहुत अच्छा किया है घर की सफाई ना यार नहीं नहीं घर की सफाई करनी है जो तुमने मुंह पे मास्क लगाया ना ये वेरी गुड परमानेंट क्यों नहीं करवा लेती सिलवा लो कानों के साथ तुम ना ज्यादा मत बोलो ये झाड़ू ना सिर्फ जाले उतारने के लिए नहीं मुझे पता है इससे तुम मेकअप भी कर लेती हो कभी कभी जब मैं बड़ा तंग करती है सर मेरे को ये जो पति हवा में उड़ते हैं उन्हें भी उतारने का काम करता है झाड़ू ये एक तो तुम्हारे चक्कर में हाय 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 माय सेल्फ बिंदु इनकी पत्नी हाउ आर यू ऑल वेरी गुड गुड टू सी यू आई एम सॉरी मैं एक्चुअली ऐसी झाड़ू वाड़ू ऐसी आ गई पता होता तो मैं थोड़ा तैयार होके आ गई तैयार होके आके तू बड़ा दिया मिर्ज़ा लगती है तैयार होके आती है तुम प्लीज बात को छोड़ो मेरी हेल्प करो अलमारी के उधर मेरा हाथ नहीं पहुंचे वहां पे सफाई करनी है तो जुबान से कर लो वो तो कहीं भी पहुंचती है तुम्हारी बहुत लंबी है आ जाती परेशान करने हमें ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम एक काम क्यों नहीं करते तुम टेबल बन जाओ तो मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर चढ़ के ना फिर सफाई करूँ देख रहे हैं आप तुम टेबल बन जाओ मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के जाले निकालूंगी वाह व्हाट अ रोमांस है ना क्यों यही चीजें जब मूवीज में होती तब तो बड़ा अच्छा लगता है बड़ा इसकी कोई हरकते हैं सी ना सर मैं उस दिन डिनर पे ले गया वहां पे लिखा हुआ था नाचोस 200 रुपए ये आधा घंटा नाची लाओ मेरा 200 रुपया मैम तुमने ना सिर्फ मेरा मजाक देखा है
मेरा गुस्सा नहीं देखा तुमने? मैंने किसी ने देखा इसका मजाक आज तक? झूठ बोलती है। दिल ना किसी से लगाना। अच्छा काम करो, तुम इंटरव्यू खत्म कर लो, फिर आके मेरी मदद करो। तो एक तो वो मेड को मुझे निकालना पड़ गया, दिया मैम उसे मेरी मेकअप चुरा लिया सब। चुराया नहीं था, मैंने दिया था उसको। क्यों? मैं चेक करना चाहता था कि सामान में कुछ खराबी है या फेस में खराबी। आज तो सर आप कितनी बार आप देख रहे हैं, मतलब एक टाइम था, एक जमाना था जब कॉलेज में प्यार में मेरी खूबसूरती पे ये आदमी शायरी लिखता था। मुझे अभी भी याद है जो तुमने पहली शायरी लिखी थी मेरे लिए। अच्छा इरशाद, मैं इरशाद अर्ज करती हूँ, तुम आओ तो जिंदगी में बहार आए, तुम आओ तो जिंदगी में बहार आए, तुम्हें देखते ही चेहरे पे खुमार आए। अच्छा, तुम भले ही रहते हो खफा खफा, मुझे तुम पर फिर भी बस प्यार आए। इसको थोड़ा मैं अपडेट करना चाहूंगा कि मेरे शो में चाहे अनुभव आए चाहे राजकुमार आए, लेकिन जब भी ये आए बड़े बड़े बुरे विचार आए, पता नहीं कैसा अजवाइन जैसा मुंह है, इसको देखते ही मुझे खट्टे डकार आए। धन्यवाद। आज ये कलर तूने क्यों पहना है? पता लग ही नहीं रहा तू मेरी बीवी, ऐसा लग रहा है जामुन नीचे गिर गया कहीं पेड़ से। जामुन इज गुड फॉर हेल्थ। और तुमने शादी क्यों की? तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्यों की तुमने? मेरे साथ धोखा हुआ सर। मैं मेले में गया, वो रिंग नहीं डालता ऐसे साबुन पे, मैं साबुन में डाल रहा था, इसके पिता ने आगे मुंडी कर दी इसकी, रिंग इसके इधर पड़ गया, बोलते अब तुम्हारी तुम्हारी, ऐसे हुआ। गलत हुआ है मेरे साथ मिलोट। मम्मी आपको पता है ना, जब आप लोग आते तभी ऐसी बातें करता है, वरना अदरवाइज ये ठीक ठाक है ना अर्चना मैम? ये दिल से ठीक ही है। एक्चुअली लॉकडाउन में जब ये क्वारंटीन हुआ था और इसे सिम्टम्स आए थे, तब ये मुझे रोज मैसेज करता था, मिसिंग यू, आई लव यू, मुझे खाना खिला दो। और मेरी जुबान का टेस्ट चला गया था सर, पता नहीं था। उसके बाद कभी किया मैंने? टेस्ट चला गया, स्मेल चली गई। ऐसी वाहियात बातें करोगे ना, एक दिन बीवी भी चली जाएगी। ऐसी बातें करने चली जाओगी? मेरे पास तीन और है, वो बोलूं मैं? तुम जाओगी नहीं, तुम हमेशा बोलती हो, तुम कभी नहीं जाती। ये इनकी माता जी है। मम्मी नमस्ते। माय गॉड, भीड़ वाले आए हुए हैं। सासुमा सासुमा बैठो इधर, एक तो मुंह से बड़ा जूड़ा कराती हैं आप, आइए इधर आके बैठिए आप। अरे रुको रुको, नमस्कार, अरे नमस्कार नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार मोदिया जी। हे भगवान, देखो कैसे भीड़ वाले, शांत भीड़। हाँ पढ़े लिखे लोग, एक बाहर देखो ऐसे बदतमीज लोग, मुझे देखते चिल्लाने लगे चोर 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 चोर। मम्मी तुम चोरी करके आई हो? अरे मैंने चोरी वोरी कुछ ना करी, ये देख मैंने रसम निभाई है वो दूल्हे की चप्पल चुराने की। अरे एक वो तो सालियां करती हैं। अरे तो मैं भी तो साली हूँ, जैसे ही मैं चप्पल लेके भागी दूल्हा खुद चिल्ला रहा था पकड़ो साली को पकड़ो। सच में लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते, ये एक गिलास घी पी के सोती है रोज। क्या दामा जी, कल दूध खत्म हो गया था घर में, तो घी भी तो दूध से ही बनता है, तो मैं घी पी गई एक गिलास, उसमें क्या है? हाँ हाजमा ठीक होना चाहिए। ये मैं आपको अगर इनकी हरकतें बताऊँ ना सर, अभी होली गई ना और दूध वाला बर्तन लेके आया बेचारा, उसके पिचकारी डाल के ना दूध निकाल के करती। वो बोलता है ऐसे कैसे कर सकते, कहती फिर वापस ले ले, फिर उसके बर्तन में डाल दिया। ये ऐसी बहुत मेरी बदनामी करवा रही है मोहल्ले में ये। वैसे राजकुमार बेटा, हाँ जी, कैसी है पत्र लेखा मेरी प्यारी बहू? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, एक मिनट, आपकी बहू कहाँ से हो गई वो? अरे नहीं है बहू, इसीलिए तो जुगाड़ कर रही हूँ, रिश्ता जोड़ रही हूँ। वैसे मुझे पता है दामाद जी, जिस प्रकार की हमारी हरकतें हैं ना, आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं जब आप हमें घर से बाहर धक्के मार के निकालेंगे, तो आगे का जुगाड़ देख रही हूँ। बैठ के बोलो जो भी बोलना, फिर सांस फूल जाएगी, फिर पंबल मारोगी। अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है, भुलवा दी ना लाइन। अरे अरे वो तुम्हारी फिल्म आई थी ना ट्रैप, हाँ जी, उसमें जैसे तुम अपने घर में वो फ्लैट में कैद हो गए थे ना, हो गया था। अरे बिल्कुल वैसे ही। क्या एक बार मैं भी कैद हो गई थी? कहाँ पे कैद हो गई थी आप? दो साल के लिए। कहाँ पर?
आपको जेल हुई थी। जेल? अरे नहीं नहीं दामाद जी, एक्चुअली हुआ क्या था, याद आया, वो भीड़ में ना एक आदमी ने मुझे कहा सामने वाला जो है बहुत अमीर है, तो मैंने उसकी जेब में दोनों हाथ घुसेड़ दिए। अरे बाहर निकाला तो वो अमीर अमीर कुछ नहीं था, वो कमिश्नर निकला और उसने मुझे जेल में ठूस दिया। हाँ, वो तो शुक्र मनाओ भगवान की कृपा से इसके पापा जेल काट रहे थे वहाँ। तो उन्होंने सुरंग बनाई और उसमें से घुस के मैं बाहर निकली आई। तुम पापा को जेल में मिली थी? और तुझे क्या लगता है ऐसे आदमी से मैं जेल के बाहर ब्याह करती? तो फिर जब आप बाहर आए, फिर आपसे फिर कोई गलती हुई? अरे हाँ, वो क्या हुआ बिंदु, जैसे हम बाहर आए ना, हम दोनों से फिर एक गलती हो गई। कौन सी गलती हुई? अरे तू गलती हो गई मेरे को तुमसे बात ही नहीं, हो गया तुम बेइज्जती करवाती रहती हो। चलो अंदर। अरे अरे अरे, जब ये कहती है ना चलो अंदर, मुझे लगता है बस ये बिल्कुल अपने पापा पे गई है, वो भी 24 घंटे। चलो अंदर आओ, अंदर। आइए देखते हैं हम कुछ, आप लोग जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं उनके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, आपको पता ही है। आइए नीचे पढ़ते हैं। लो जी, ये राजकुमार भाई साहब ने फोटो डाला है, एंड इट्स अ रैप बीड, कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ अमेजिंग आई फेल्ट वर्किंग विद यू माय डियरेस्ट अनुभव सर, यू आर ए जेम ऑफ अ पर्सन एंड अ जीनियस फिल्म मेकर, वेरी ट्रू, इस भीड में से एक बहुत अच्छे दोस्त मिल गए मुझे, आई लव यू सर, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जब प्रोड्यूसर पूरी पेमेंट कर दे तो हीरो ऐसे ही गले लगाता है। एग्जाम के पेपर बेचने वाले को गले लगाता स्टूडेंट हो। और दिखाइए। जब पता चले कि दोनों दोस्त फेल हो गए, अब अगले साल भी साथ साथ ही रहेंगे। ये करेक्ट। अच्छा, ऐसा होता था ना स्कूल में, एक बंदा फेल हो जाए तो यार दोस्त भी फेल हो गए तो उसकी ज्यादा खुशी होती थी, चलो साथ में ही है। और दिखाइए। आइए जी, भूमि जी ने फोटो डाला है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, बीन अ लिटिल एक्स्ट्रा लेटली एंड आई लव इट। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। लड़कियों को देख लो, मैचिंग सीढ़ियां भी मिल जाती हैं है ना ड्रेस के साथ। लड़कियां सीढ़ियों पे 2 घंटे खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, कोई कुछ नहीं कहता, हम 2 मिनट खड़े हो जाएं तो धक्का देकर चले जाते हैं। मैंने गिना पीछे पूरी 13 सीढ़ियां हैं। किसी ने रिप्लाई किया, भाई तुम स्वर्ग में जाओगे, इतनी सुंदर लड़की खड़ी है फिर भी सीढ़ियां गिन रहे हो। ये रेड कारपेट पे चलने वाली थी, थोड़ी सी लेट हो गई, इवेंट वालों ने कारपेट उठा लिया। और दिखाइए। भूमि, सीढ़ियों पे आप मेरा ऐसे इंतजार मत करो, मैं आज डिलीवरी देने नहीं आ सकता, भिवंडी टोल नाके पे मेरा स्कूटर जब्त हो गया। और दिखाइए, अनुभव सर ने डाला है, कट द क्रैप इन ए सैलून बार। सैलून बार? अच्छा, पीछे बार भी है, ये कहाँ पे है सर? ये सैलून लिस्बन में, पोर्चुगल। अच्छा, इसका एड्रेस देना जरा। नहीं नहीं, वहाँ वहाँ ये सिस्टम है। अच्छा जी, बहुत सारे सैलून्स हैं, उसमें बार भी है। ओ वाह। हाँ, ताकि गलत कटिंग हो जाए तो आदमी को पिला पिला के भेज दो, बंदे को पता नहीं गलत कटिंग हो गई। कॉमेंट्स दिखाइए। बार्बर की दुकान में बार है या बार में बार्बर की फैसिलिटी है? वाह, क्या शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। साहब, ये पीकर काटते हैं या पिला के काटते हैं? सर, विदेश में अगर कटोरा कट करवाना हो तो उसके लिए क्या बोलना पड़ता है? कटोरा कट क्या होता है? मशरूम का बीच चला था ना साइड से पूरा, मशरूम कटिंग। मशरूम कट। और आगे दिखाइए। ये 500 रुपए की कटिंग करवा के इसकी पूरी कहानी सुन लेंगे, फिर नवाज भाई को लेके फिल्म बना देंगे। ये पब में पार्टी करने आए थे, वाइफ को देख के कटिंग करवाने बैठ गए। इस मतलबी दुनिया में एक सैलून वाला ही है जो पूछ के काटता है। आए हाय हाय, कभी का दर्द छिपा है इसमें। डीप है, डीप है, डीप है बहुत ज्यादा। और आगे दिखाइए। दिया जी ने ये फोटो डाला है, एनीवेयर एनी टाइम ऑन द गो, मेडिटेशन ब्रिंग्स बैलेंस लाइक नथिंग एल्स कैन, नेचर एंड योगा मेक्स लाइफ बेटर इन एवरी पॉसिबल वे, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, मैं कहना चाहूंगा। आइए देखते हैं ये कहां की फोटो दिया जी। ये कोकसर वैली। तो गाड़ी रोक के आपने मेडिटेशन की? नहीं, हम शॉट के इंतजार में थे। सड़क थी। अच्छा जी। उसने इतना सख्त मेडिटेशन किया कि उधर से पानी निकल पड़ा। वाह वाह, क्या बात है जी। आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे।
आप प्लेन पत्थर पे बैठी हैं इसलिए बैलेंस हो रहा है. मैं टेढ़े पर बैठा था, फिसल के नीचे आ गया था. आप दोनों आंखें बंद करके बैठी हैं, मेरी वाइफ एक आंख खोल के बैठती है ताकि देख सके मैं कहां जा रहा हूं. आप ध्यान लगा पा रही हैं, मगर मैं आपको देख के ध्यान नहीं लगा पा रहा. और दिखाइए. दिया जी, जब आंख बंद रहती है तो कैसे पता चलता है फोटो खिंच गई है? किसने रिप्लाई किया, भाई फोटोग्राफर बोल देता है फोटो खिंच गई है. और दिखाइए. आशुतोष सर ने ये फोटो डाला, दिल्ली चलो. कमेंट्स दिखाइए जरा. अभी मत जाओ साहब, मैं गया था, बहुत गर्मी पड़ रही है. हाँ चलो दिल्ली, हमारे यहाँ तो वैसे भी ठेके बंद कर दिए, मैंने सुना वहां एक पे एक चल रहा है. ये कौन है भाई? राणा जी को देख के लग रहा है इनको दिल्ली पहुंचते ही रैली में भाषण देने जाना है. और दिखाइए. राजकुमार राव जी ने फोटो डाला है, भाई मैंने पहले रुमाल रख दिया था, ये बेंच मेरा है. हाँ पत्र लिखा, ले लो फोटो, आई एम रेडी. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. ये कहाँ की फोटो भाई? ऑलवेज सेट अ बेंचमार्क. स्विट्जरलैंड. ओके, आप रुमाल की बात कर रहे हो, मैं तो सोच रहा था यहाँ बेंच किसने रखी. जब बेंच गीली हो तो ऐसे ही बैठना पड़ता है, वरना अपना सोफा गीला हो जाता है. That's a great one. That's a great one. पहली बार देखा है बीवी फोटोग्राफर बनी है, वरना हनीमून पे तो हस्बैंड ही फोटो खींचता है. धन्यवाद ऐसे ज्ञान के लिए. और आगे दिखाइए. इमेज नंबर 3 इज प्रूफ फिनिश दैट ऑल द थाली ऑल बाय माय सेल्फ ऑल्सो रैप्ड अनदर फिल्म. तो ट्रीट तो बनती है राजस्थानी थाली. भूमि इस सारी खाई आपने? सारी कसम से. आई स्वेयर, आप अभी ले आओ, मैं अभी पूरी खत्म कर लूंगी. मुझे खाने का बहुत शौक है. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. मैडम अभी मत सोइए, अभी पापड़ और खिचड़ी भी आएगी. इन्होंने रेस्टोरेंट वाले को बोला है मेरी थाली मत उठाना, मैं उठ के फिर खाऊंगी. That's a great one. और दिखाइए. अनलिमिटेड थाली खा के भी आप इतनी फिट दिख रही हैं. हम दो चपाती ज्यादा खा ले तो पेट कुर्सी टेबल के बीच फंस जाता है. जनहित में जारी. अगर आप नींद की गोली खाओ तो आपको आधे घंटे बाद नींद आती है, लेकिन दाल भाटी खाओ तो 10 मिनट में ही नींद आ जाती है. इसलिए दाल भाटी खा के गाड़ी ना चलाएं. सही बात है. और दिखाइए. जिन जिन सब्जियों में पनीर था वो इन्होंने खा ली, आलू वाली सब्जी छोड़ दी. कहां से आते हैं कमेंट यार. देखो सभी थोड़ी फिल्में कर रहे हैं, लोग कमेंट भी करने में बैठे हुए. और दिखाइए. Since I was 18, the paps have been setting me up with this ride. I love Riksha hashtag rides. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. लड़कियां स्कूटी नहीं ऑटो भी पैर से रोकती हैं. कौन कहता है ऑटो वाले जल्दी में रहते हैं? लड़की दिया जैसी हो तो बिठा के फोटो भी खींचते हैं. ऐसी ऑटो चलाने वाली मिल जाए तो मैं मीटर ही ना देखूं. ये ऑटो वाले को ज्यादा ही बोल रही थी, इधर से चलो इधर से चलो, उसने कहा आप खुद ही चला लो. और दिखाइए. अगर आप जैसी रिक्शा वाली हो तो मैं अपनी कार बेच के इसी रिक्शा में जाया करूंगा. और दिखाइए. आशुतोष सर ने फिर फोटो डाला है, हीरों के बीच यदि कांच के टुकड़े को रख दिया जाए, अरे वाह, तो वो भी हीरे की शोभा पा जाता है. मेरी हालत भी कुछ ऐसी है. आई एम सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड. मनोज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अभिनेताओं का जमावड़ा. ओहो, लगता है किसी हिंदी न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई है. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. आशुतोष जी इसलिए खुश हैं क्योंकि तब्बू जी के पास खड़े हैं, वरना रणवीर शौरी का तो मुंह उतरा हुआ है. मुझे लगता है आशुतोष जी को सिर्फ तब्बू जी के साथ फोटो खिंचवाना था, वाइफ के डर से बाकी लोगों को भी खड़ा कर लिया. देखो आप. और दिखाइए. सबका एक हाथ पीछे है, जरूर उसमें ग्लास होगा. अरे और दिखाइए. के कामरा, व्हाट ए ब्यूटीफुल ट्रेन. कृतिका कहाँ की फोटो है ये? खार स्टेशन. नीचे कमेंट्स देखते हैं. इन्होंने 3 ट्रेन छोड़ के अब अपनी साड़ी से मैच करती हुई ट्रेन पकड़ी है. क्या बात.
ऐसे ही लड़कियों के कारण लड़के लेडीज कोच में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं। इनके प्रोड्यूसर ने कहा था अवार्ड फंक्शन में कोई महंगी गाड़ी से आना, ये ट्रेन से आ रही है। और दिखाइए, खत्म, धन्यवाद। ओके, शुक्रिया। तो दोस्तों, भूमि जो है उनको कहीं जाना है, सो भूमि जी थैंक यू सो मच, आप आई और बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको मिस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू भूमि, बाय सर, बाय, थैंक यू, बाय बाय भूमि, प्लीज सर बैठ। Yo, bro. क्या बात है यार, भूमि जी भी है ना यार। भूमि जी गई, उनको कुछ काम था, चली गई। अरे यार क्यों, क्या हुआ? फिर से हमको धोखा दे दिया उन्होंने। क्या धोखा दिया था? आपको बता रहे हैं, सच में सर, मजाक नहीं कर रहे। उनका फिल्म आया था, पहला फिल्म दम लगा के हिस्सा। हाँ। वो टाइम पे हम ऐसे नहीं थे। अच्छा। अरे आई वाज थिन, क्या फिट थे हम, मान लीजिए एकदम फिट, जैसे ये अपना जैसे फिट थे हम बहुत। फिर उनका हमने फिल्म देखा दम लगा के हिस्सा, हम हुए इंस्पायर। इंस्पायर होके हमने अपना वजन बढ़ाया, जैसे ही हमने बढ़ाया उन्होंने घटा दिया। वो हो गई पत्नी। हम उनसे फिर से इंस्पायर हुए, लेकिन इस बार हमने रियलाइज किया इंस्पायर होना बहुत आसान है, वजन घटाना। यार अनुभव जी कैसे हैं आप? बड़ा अनुभव है आपको, और यही कहना चाहेंगे कि आपने जो फिल्म बनाई, फिल्म बना के आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सीधा जाके अवार्ड लीजिए ना। अरे अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई ना। अरे क्या बातें कर रहे हैं आप यार, ये इतनी कमाल की फिल्में बनाते हैं, ट्रेलर पर ही अवार्ड दे देना चाहिए इनको। बच्चा इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है तू आज? क्योंकि ब्रो हमारे पास ना नंदिता दास है, ना कोई आस है कि हमें कोई फिल्म में कास्ट करेगा, तो हमारी तो कास्टिंग चापलूसी से ही होगी सर। बट आई मस्ट से सर, अनुभव जी हमारा भी जितना अनुभव है, फिल्में आपकी बहुत अच्छी, माइंड ब्लोइंग, लेकिन एक थोड़ी एक कमी है, गड़बड़ है, अगर आप कहें, आप इजाजत दें तो आपको बताएं। बताइए। बाबा से बुलंद, क्रोनोलॉजिकली थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्यों? तो देखिये, आपने फिल्म बनाई रावण, उसमें नंबर वन है, पर वो आपकी पहली फिल्म नहीं है। पहली फिल्म है तुम बिन। अच्छा। फिर उन्होंने बनाई तुम बिन टू। हाँ। वो उनकी दूसरी फिल्म नहीं है, वो उनकी नौवीं फिल्म है। अच्छा। फिर ये फिल्म बनाई है दस, लेकिन वो दस उनकी तीसरी फिल्म है। चल क्या रहा है? यहाँ खत्म नहीं होता है। इनकी ग्यारहवीं फिल्म आती है, वो है आर्टिकल 15, 11 पे 15 चल रहा है। अब इनकी जो 17 फिल्में बनाने के बाद 18वीं फिल्म आ रही है, उसका नाम है 11। है कि नहीं सर? वाह सर, क्रोनोलॉजिकली ठीक नहीं जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगली जो आप फिल्म बनाए ना, तो आप कैलकुलेटर लेके बनाए। थोड़ा गणित। लेकिन सर आप भी, राजकुमार जी मुस्कुराइए मत। क्यों? आपने भी जीवन में इतना कंफ्यूज किया है ना। कैसे? मैंने क्या किया? आपने कहा शादी में जरूर आना, किसकी ब्रो? किसकी शादी में आना है, कब आना है? हम कपड़ा अपनी अपनी शादी में। अच्छा ये तो आप बताए नहीं, खाली लिख के दे दिए शादी में जरूर आना। हम परफ्यूम सेंट लगा के घूम रहे हैं, जाना कहाँ है पता नहीं है हम। फिर ये कहते हैं बधाई दो, दे देंगे भाई किसको? किस बात की बधाई देनी है, किसको बधाई देनी है, थोड़ा डिटेल तो दो। फिर ये कहते हैं बहन होगी तेरी, मान लिया, लेकिन कौन है ये? कौन होगी हमारी बहन, ये भी तो बताओ। क्या है, पूरी दुनिया में सबको तो बहन की नजर से नहीं देख सकते नहीं, है ना। कुछ को तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो इतना डिटेलिंग का जरूरत है सर। अरे बहुत प्यारी लग रही है कृतिका जी, क्या बात है। आप जब ऐसा शूटिंग वूटिंग करती है तो कैमरा का जरूरत पड़ता है कि कैमरा से ही काम चल जाता है? सर ऐसी बातें हम करते रहते हैं, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे दिया जी, ये वाला जो फिल्म किया आपने भीड़, इमरान हाशमी का तो बहुत याद आया होगा आपको। क्यों क्यों? अरे
एक गाने में साफ साफ ये इमरान हाशमी से कह रही हैं, भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आओगे, है कि नहीं? खैर, लेकिन आपको सच बताएं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। हम दिन भर आपका नाम जपते हैं। वो क्यों, कैसे मतलब? नहीं, क्या है कि सुबह सुबह जैसे ही हम जागते हैं, हाँ, भैंसिया के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने दूध दिया कि नहीं दिया। अगर उसने दूध दिया तो वो हमने लेकर अपने कस्टमर को दिया, अगर उसने नहीं दिया तो हमने कस्टमर से कह दिया कि भाई से ने दूध नहीं दिया तो इसने हमने तुमको नहीं दिया। देख रहे हैं दिया 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 करके कैसे हमने माहौल बना दिया। अरे यार, इसमें भी दिया आ गया, ये हमने क्या कह दिया, ओ यार इसमें भी आ गया, दिया दिया दिया, आए, हो गया तुम्हारा। अच्छा हुआ आपने हमें रोक दिया। अरे यार, दिया जी आपने चारों ओर से हमको घेर लिया। लेकिन एक बार तो जोरदार तालियां यार, क्या लॉकडाउन के ऊपर जो फिल्म बनाई है यार, ओ हो हो, और क्या काम किया है सर आपने, आपने आपने राजकुमार जी, आपने सर, आपने सोनू सूद जी ने क्या काम किया। सोनू सूद कहाँ है इस फिल्म में? नहीं, फिल्म में नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में तो काम किया है। काम तो किया है लॉकडाउन में, लेकिन बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा है ये लॉकडाउन का सभी के लिए, हमारे लिए भी आसान नहीं रहा है सर। 15 दिन कंटिन्यूस भूखे रहे हैं हम। तो फिर सर्वाइव कैसे किया, जिंदा कैसे रहे आप? नहीं, दिन भूखे रहे ना, रात को खाए। वैसे लेकिन हमारी भैंसिया की भी बहुत प्रॉब्लम हुई है लॉकडाउन। उसका चारा तुम खा गए थे? अरे चारा मिलेगा तो खाएंगे यार, लेकिन चारा वही तो है, इसको हम चारा खिलाने ले जाते थे पहले, लॉकडाउन हो गया, अब इसके साथ हम जा नहीं सकते, अब हम सोचे करें तो क्या करें। हमने क्या किया, भैंसिया के सर पे हमने कैमरा लगा दिया और यहाँ यहाँ पे ईयरफोन उसके कान में डाल दिए और फोन से हम उसे गाइड करते थे। ऐसा गाइड करते हुए गई और वो बड़ी स्मार्ट है। हम कहते थे रह रह तो वो राइट लेती थी, हम कहते लेफ्ट लेफ्ट तो वो लेफ्ट लेती थी, इतनी ट्रेंड है वो। वापस कैसे बुलाते थे उसको? हम कहते थे यू 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 तो यू टर्न लेके वापस घर आ जाती थी। ऐसा चलता तो फिर वही वाला यू टर्न आप ही लीजिए बच्चा, चलिए भैंस के साथ फटाफट निकलिए। अच्छा ठीक है, चले जाएंगे यार, लेकिन सर हमारे पास ना एक जॉक्स का पिटारा रहता है। थोड़ा क्या है, ये फनी वाले हैं तो थोड़ा हंसी निकल आए तो देख लीजिएगा, मतलब सुनाए तो जॉक सुनाते हैं आपको, तो हमको बताइएगा सर कि अगर आपके पास एक पजामा है और एक जींस है, दोनों में से एक को आपको मेडिटेशन करने के लिए कहना है, आप किसे कहेंगे? पजामे को कहिए ना, जींस के पास तो पहले से ही चैन है। चलिए चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नाइस मीटिंग सर, टेक केयर, यो ब्रो, ऑल राइट, लव यू। अच्छा दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं, भीड़ जो फिल्म आ रही है, आप लोग कभी भीड़ में फंसे हैं, आपका भीड़ की वजह से कोई नुकसान हुआ हो या कोई फायदा हुआ, जो भी आप अपना किस्सा आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। जी मैडम। मैं सविंदर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, मैं हैप्पीली रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ। अच्छा, और भोपाल में रहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। जी मेरे को तो भीड़ का बहुत फायदा हुआ। क्या? बहुत पुरानी बात है, 40 साल पुरानी। अच्छा जी। मैं भीड़ में ही जा रही थी, साथ में भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटे भाई का। अच्छा जी। उसको लेते हुए जा रही थी, अचानक पता नहीं कब उसका हाथ मेरे से छूट गया। अच्छा जी। और किसी और का हाथ मेरे में हाथ में आ गया। अच्छा जी। और जो कि आज तक मेरे साथ है। परी सत श्री अकाल। क्या बात है कपिल जी। मैं जेपी सिंह काका। जी सर। मैंने भी उस समय देख के मौका लगा दिया, चौका पकड़ लिया इनका हाथ, तब से हमें साथ साथ। वाह क्या बात है।
सर जैसे इन्होंने तो भाई का हाथ पकड़ा हुआ था तो गलती से फिर आपका पकड़ लिया, आप पहले किसका हाथ पकड़ के चल रहे थे? नहीं मैंने मौका ढूंढा, इतनी सोनी कुड़ी है। अच्छा जी, मौका मिल गया, इनका हाथ खाली हुआ, मैंने पकड़ लिया। और आपकी शादी को 40 साल हो गए हंसते खेलते। अच्छा जी, क्या बात है सर, बहुत बहुत मुबारक हो, 40 साल आपने बिताए हैं साथ में, ईश्वर करे ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए, शुक्रिया शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम तिशा है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं धृति हूँ, मैं अमृतसर से हूँ। अच्छा जी, मेरे शहर से आई हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है जी। आप दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? फ्रेंड्स हैं, एक साल से कॉलेज में साथ पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मुंबई में। हाँ जी। अच्छा जी, तो इतनी भीड़। आप दोनों बहने ही लग रही हैं एक्चुअली, पता है? यार दोस्त एक एक फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताओ ना, शक्लें भी मिलने लगती हैं, पता है? हमें सब बोलते हैं ये। तो इतनी भीड़ की बात हो रही है तो हमें भी कुछ शेयर करना है। हमारे दिन की शुरुआत ही भीड़ से होती है। कैसे मतलब? मतलब सुबह 7:30 बजे हमारा कॉलेज लगता है। अच्छा जी। पहले तो कोई मतलब नहीं है 7:30 बजे, इतनी सुबह अंधेरा होता है, 6 बजे उठते हैं तो जी। तो उठ के हम जाते हैं तो 8th फ्लोर पे है हमारी क्लास, और लिफ्ट के बाहर इतनी लंबी लाइन होती है कि हमें आधा घंटा लगता है लिफ्ट के अंदर जाने में। अच्छा जी। वो लिफ्ट नहीं होती सर, वो विरार लोकल लग रही होती है। अच्छा जी, जो ऐसे खड़ी कर दी किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद एक तो कॉलेज आओ, रोज आओ, और रोज अटेंडेंस मिस हो जाती है। 7:31 पे हमारा कॉलेज क्लास बंद हो जाती है और अटेंडेंस मिलती नहीं है। अच्छा जी। तो आप भी मेरे शहर से हो, मैं आपके शहर से हूँ, सेम सिटी है, आप कॉलेज आ जाओ, थोड़ी हेल्प कर दो, बोल दो शायद से लिफ्ट लगवा दे। हैं? 2-3 लिफ्ट बस और लगवा दो, बात कर लो कि 2-3। मुंबई में ना ऐसे जगह है नहीं, जगह ऐसे ही है, ऊपर ऊपर ही चल रहा है। तो मतलब आपने एडमिशन लिया, मैं तो अमृतसर से सही पढ़ाई करके आया था, मैंने तो नहीं कहा था कि आप भीड़ भाड़ वाले शहर में आओ। हमें थोड़ी पता था कॉलेज के अंदर पहले इतनी भीड़, आप दोनों ने आके और भीड़ कर दी। बहुत धन्यवाद, आप दोनों बहुत प्यारी हैं, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये बोलेंगे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए मेरे बैंक का। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो जी, आपके आने से शो में हरियाली आ गई, मैचिंग मैचिंग हो गई हमारी। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता जी कहाँ से आई हैं आप? आई एम फ्रॉम नागपुर एंड मुंबई। निकिता आपकी हाइट बड़ी अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। निकिता जी, जैसे आपने पूछा कि भीड़ से मुझे कोई फायदा या नुकसान हुआ, तो मैं बोलूंगी मुझे भीड़ से हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। अच्छा जी। तो मैं जब भी बहुत बड़ी भीड़ में जाती हूँ, हाँ, तो जैसे ही मैं जाती हूँ लोग मुझे दो नजर से देखते हैं, या तो कोई बड़ी हस्ती आई है, या तो कोई जुरासिक पार्क या म्यूजियम से कोई भाग के आई है। तो वैसे ही जो दो टाइप के लोग हैं, उस वजह से मुझे वैसे ही रास्ता मेरा खुल जाता है। अच्छा जी। और मेरा भीड़ से फायदा ही फायदा होता है। पर आपका और फायदा, आप कभी भीड़ में गुम हो ही नहीं सकती हैं, आप दूर से देखते हैं, है ना? यस सर, यस दैट्स राइट। एंड सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे घर वालों का भी फायदा होता है। जैसे मेरा ब्रदर है कार्तिक एंड मयूर, हेलो, दोनों नागपुर से है। हेलो जी, हेलो। सो एक बार इसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया था लोगों से, तो उस टाइम पे कॉलेज के बाहर इसने बोला, जब ये घिर चुका था भीड़ से जी, मैं मेरी बहन को बुलाता हूँ। तो लोगों ने बोला अच्छा ऐसा है, बुला ले, देख लेंगे उसको। जब मैं पहुंची तो ये पूरा भीड़ से घिरा हुआ था, मैं दूर थी, तो मैंने जोर से चिल्लाया क्या हुआ भाई। तो जब जैसे सबने पीछे देखा तो वो वैसे ही, मतलब जो मैंने बोला दो टाइप के लोग, आधे ऐसे ही देख के चले गए और आधे जो थे वो अच्छे से बात करके बस निकल लिए वहां से। मतलब दैट वाज द मोस्ट फनी इंसिडेंट। एंड जब तक हमारा दूसरा भाई आया तब तक मैटर रफा दफा हो चुका था। पहली बार मैंने सुना भाई की लड़ाई हुई, बहन को बुला के लेके आया। सो मैं इसकी बहन भी हूँ, भाई भी हूँ सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कोविड के दौरान डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ तो लोगों की मदद कर ही रहे थे, लेकिन समाज के और भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो अपने अपने लेवल पे लोगों की मदद कर रहे थे। और आज खालसा हेल्प इंटरनेशनल टीम से ऐसे ही रियल हीरोज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, मिस्टर शमशेर सिंह बल और डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी जी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। भाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और हम हमेशा कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो दिल से हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कुछ करते हैं। सो बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से कोविड में आपने लोगों की मदद की। नमस्कार कपिल जी, सारे गेस्ट को नमस्कार। फर्स्ट जब लॉकडाउन था, जब मोदी जी ने अनाउंस किया, जिन लोगों को सुबह से शाम कमाना और रात को खाना, उनके पास कुछ नहीं था, ऐसे करीब 12,000 घरों को
रोटी उनके घर घर पहुंचाई और जब दूसरा वेव आई उसमें जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई तब कोविड की परवाह किए बगैर कई हजार आदमियों को सड़क पे ऑक्सीजन लगाई। बाकी बात कपिल जी एक बात बताऊंगा बड़ी हैरान करने वाली बात। जी भाजी। हमारी टीम में कम से कम नहीं तो 30-35 लोग थे, ऑलमोस्ट सबको कोविड हुआ। भगवान की ऐसी कृपा रही, नॉट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी एंड वी वर 24/7 बिटवीन द कोविड पीपल, उनके साथ थे। लाइन लगी होती थी ऑक्सीजन लेने के लिए, कैसे भी कर करा के हमने पूरी कोशिश की कि जो ये लॉस था पूरी दुनिया में वो कम से कम हो सके। सरकार ने हमें बहुत साथ दिया, हमारे गुरुद्वारा इंदिरापुरम को जो गाजियाबाद में है उसको कोविड फैसिलिटी का दर्जा दिया, और मैं आपको बताऊंगा अभी तक वहाँ पे मेडिकल की फ्री सेवा चल रही है। इतने लोग वहाँ दवाइयाँ इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से लेके जाते हैं। क्या बात है कपिल सर, मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। जी सर। सर देखो सेवा सभी लोग करते हैं, आप भी सेवा करते हैं सर। लोगों को क्या होता है, सेवा ये नहीं है कि हम पेशेंट को पकड़ के ठीक करा दें या पेशेंट के बारे में सोचें, एक मन की भाव होनी चाहिए सेवा के लिए। बिल्कुल। जब हम लोग वहाँ कोविड में 40 लोग थे, हम लोग घर नहीं जाते थे क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था। अच्छा जी। उस टाइम पे हम लोगों को सिर्फ एक ही दो चीज दिखता था, एक तो हमारे रामानंद सागर सर का रामायण और दूसरा कपिल सर का शो। और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एक प्रेग्नो केयर स्कीम चला रहे हैं वहाँ, जिसमें हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को अडॉप्ट करते हैं, जो गरीब होते हैं, जो थोड़ा अनएडुकेटेड होते हैं, जो अवेयर नहीं होते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्वस्थ पैदा हों टिल जब तक उनकी डिलीवरी नहीं होती है। और अभी आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होगी कि हमारे पास 256 रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से कि 40 बच्चे इस साल हम लोगों ने अच्छे स्वस्थ बच्चे डिलीवर कराए। तो धन्यवाद आपका सर कपिल सर। शुक्रिया सर जी, आप लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं और ऐसे ही भगवान की गुरु महाराज की कृपा आप पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। प्लीज सारी चीज जो बता रही है जी सर कि मतलब जब प्रकृति आपके ऊपर कोई भयंकर कहर बरपाती है तो वो आपकी मनुष्यता को मिटाने के लिए नहीं, मनुष्यता को जगाने का भी काम है। एक्चुअली क्या बात है, वाकई कि दीप से जलना ना सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, और सूर्य से ढलना ना सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। और सोचना है हम स्वयं इस चित्र में कहां अंकित हैं, राह चलना ही ना सीखो, राह का निर्माण सीखो। वाह वाह। ये आप लोगों के जरिए जो कोविड में हम लोगों को लगा, ये कोविड ने हमें सिखाया है। कलाकार बेहतरीन, क्या बात है। खुशखबरी। बिना कोई दर्द बिना कोई पीड़ा निकाल देंगे आपकी एक्टिंग का कीड़ा। आओ आओ अपनी किस्मत आजमाओ, हो सकता है आप हो अगले राजकुमार राव। ना कोई मजाक ना कोई बहाना, 24 घंटे में बना देंगे आपको आशुतोष राणा। ये तूने अच्छा किया, रिक्शा ले लिया ना तूने, नहीं तो गर्मियों में मूंगफली बेचता हुआ पर तू वैसे बड़ा खराब लगता था। ये अच्छा किया, वेरी गुड। ये मैंने एक्टिंग एकेडमी खोली है, तो जल्दी जल्दी बंद कर दे जिसकी भी खोली है। ये तो जिसकी खोली है वो आ गया ना, फिर वो पिटेगा तू। क्यों मारेंगे सर, आपको पता है जो ऑस्कर में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ओह गॉड। अच्छा, ये जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है उसको सपोर्ट किसने किया? मैंने। ये जो नाटो का डांस का स्टेप किसने बनाया? मैंने। कैसे? ये जो एलिफेंट वाली फिल्म को अवार्ड मिला है उस एलिफेंट को एक्टिंग किसने सिखाई? मैंने। पिछले हफ्ते जब गेस्ट के सामने तूने ऐसी ही बातें की थी वो काटी किसने दी? मैंने। फिर वैसी बातें कर रहा था। आई डोंट माइंड, तुम्हारे ये मजाक एक दिन मुझे ऑस्कर में लेके जाएंगे। ओह। और तुम्हारी यही बातें तुझे एक दिन वापस अमृतसर लेके जाएंगे, तुझे पता है? उस दिन ऑस्कर अमृतसर में होगा। देखा, अगर आपके पास पास हो तो यू आर इनवाइटेड देयर। सर मैं बताता हूँ, सर आप बेहतरीन एक्टर हैं, सर आप सिर्फ मेरी एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। सर ये है मेरा मेन्यू,
प्लीज मेन्यू 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 मेरी एक्टिंग का मेन्यू यस 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 आप भी थोड़ी सीरियस एक्टिंग दोस्तों कॉमेडी 250 थ्रिलर 300 एनएससी बदतमीजी करते हो एक्टिंग सर ही इज जेलस मैन अर्चना मैम सीरियस एक्टिंग 200 रुपए में कॉमेडी एक्टिंग सिर्फ 250 अच्छा थ्रिलर एक्टिंग सीखनी है तो 300 रुपया लेकिन अगर एनएसडी की सीखनी है तो उसके लिए 10,000 लगेगा उससे कम नहीं एनएसडी वाली इतनी महंगी क्यों भाई और तो मैंने भी तो सीखनी है ऑफ कोर्स 8,000 रुपया आने जाने का बंदा 12-1500 के भटूरे खाता उधर अब देखो एक्टिंग तो 500-400 की बचती उसमें हाँ इससे ज्यादा क्या करेगा आदमी सर इसको 150-200 दिन में चाहिए होता है हाँ? वो अगर आप दे देंगे तो ये चुपचाप चला जाएगा तो तू साल का एडवांस ले ले मेरे से सर आपको वैसे लगता है ये 150-200 का आर्टिस्ट है मैं तो 150-200 साल की बात करी बाकी तो सर 150-200 साल में आपने 4 फिल्में बनानी है राजकुमार भाई अपना और कोई ठिकाना ढूंढ लो आप सर ये ऐसे मजाक करता रहता सर आप यकीन कीजिए अभी अभी OTT पे मेरी फिल्म आई कौन सी एज ए हीरो वो भी दो दो लैंग्वेज में हिंदी पंजाबी अच्छा दो लैंग्वेज में फिल्म आई yes. है सॉरी उन्होंने 11 लैंग्वेज में मांगी है कि हमसे बन गई है मतलब ये वो नहीं बता रहा आपको पता तीसरी लैंग्वेज में फिल्म आ रही थी इंग्लिश में मैंने मना किया मैंने कहा मेरे भाई को समझ नहीं आया कि छोड़ो सर आप इतनी अच्छी फिल्म बनाते हैं सर एक फिल्म मेरे को लेके बनाइए सर 100 करोड़ तो तुझे ले लेंगे तो फिर कैसी अच्छी फिल्म बनेगी नहीं वैसे मैं भी कुछ काम किया इसके साथ ही तो दिन में 2 शॉट देता है बस बोला मैं इससे ज्यादा कपिल मुझे बहुत एक्सप्लॉइट करता है बाकी दिन में 2 शॉट करता हूं मैं बस चलो ये तो दे देता है आप लेते क्यों हैं सर ओहो सर आपके जहाज गलत लैंड हो रहे हैं सर मैं वैसे बताना चाहता हूं सर अगर आप आंखों पे पट्टी बांध लें अपनी सर अच्छा अपनी हाँ तो शायद इस चेहरे में आपको राजकुमार नजर आएगा आपको पता है राज भाई आप फिल्मों में इतने बड़े स्टार क्यों हैं क्योंकि आपके पास अनुभव है mm. मैं छोटे टीवी का स्टार क्योंकि मेरे पास कपिल है so, टीवी पे मेरी वजह से इसलिए तू टीवी पे है नहीं तो टीवी पे बैन था ये तेरे को फिल्मों में तेरे को कोई पेन ड्राइव में नहीं लेता फिल्मों में आना तुझे इट्स प्योर जेलस ओ हेलो जा यार कर लो पहले देख शो में आने से कुछ नहीं होता ये 15 साल की क्रेडिबिलिटी भी साथ में आती है तू बात करके देख कर सॉरी हाँ सर ये बेसिकली जेलस है मेरे से मैं आपको दिया मैं बताता हूँ कॉलेज में ना मेरा इतना रुतबा था कि लड़कियां 5-6 हमेशा मेरे पीछे रहती थी जो रिक्शा चलाएगा उसी के पीछे रहती है इनको सब पता है डायरेक्ट तुझे क्या दिया मिर्जा से बात नहीं करनी डायरेक्ट खबरदार डायरेक्ट तो मैं लिख के दे मैं उनको दूंगा अगर उनको पसंद आएगा तुमसे बात करेंगी मैंने इंग्लिश में लिख देना तुमसे पढ़ा नहीं जाना अच्छा यस यस तूने इंग्लिश में लिखना है यस yes. बोल के दिखा 4 लाइनें बैक टू बैक बोल चल टू द प्रिंसिपल आगे वंस देयर वाज अ क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी आई बैक टू से यू आर सिंसियर से एक्स वाई जेड सर ये बेसिकली जेलस है वरना मेरा टैलेंट इतना है आज भी एनएसजी में कोई नया स्टूडेंट आता है ना मेरे वीडियो दिखाए जाते हैं उसको हाँ कहते हैं कि ध्यान से क्लास लगाया करो नहीं तो ऐसे करोगे तुम तो वो इसकी वीडियो इसलिए दिखाते हैं आप वैसे कहीं गलती से नसीर साहब का नाम जानते हैं नसीर साहब का हाँ क्यों ओ मेरा नुक्कड़ नाटक देखने आते थे सर कोई नहीं आते थे वो एक दिन वैसे नुक्कड़ में खड़े गए उनके सामने नाटक करने लग गया ये आपको पता नसीर साहब पान भी नहीं खाते थे स्पेशली उन्होंने मंगाया चबाया थूक के गए वो मैं सर बच्चे ट्रेंड करता हूँ तो मैं ना एक नमूना सॉरी एक बच्चा ट्रेंड किया है तो मैं उसको आपके सामने लाना चाहता हूँ आ भाई जल्दी आ भाग के उनको जाना है ओ तेरी अरे बाप रे और ये क्या तू मेरे मेहमान डराने लाया एक मिनट सॉरी आपने मेरी परफॉर्मेंस मेरी तैयारी सुनी क्योंकि देख सकते नहीं आप इसको जाओ सीखो उनसे जाके मैं नहीं सिखाता तुम्हें अरे नहीं नहीं गुरुजी ये आपको सिखाया तो है इतना अच्छा कहाँ सिखाया गुरुजी अभी क्या है तो देखिए ये 2 महीने से हम सीख रहे हैं हाँ। इसमें हम पारंगत हो चुके हैं हाँ। अभी कुछ और सिखाइए देखिए जो कलाकार होता है ना वो जो चीज सीख लेता है ना उसको अलग अलग रस में करे जैसे ये रौद्र रस जी इसी को अगर आप करुणा रस में करे अगर किसी से मांगना हो
तो आप इसको करुणा रस में कर सकते हैं। करुणा रस सिखाया ना, करुणा रस। जम गया। ये है कौन सा शो? हास्य रस। हाँ, हाँ। यहाँ पर हास्य रस चलता है जी, तो उसमें भी इसको जरा मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, जी। थोड़ा और। अर्चना जी तरह नहीं हंसना सर, आप लोगों का जो मन है, आप हाँ। चाहे मारना हो पीटना हो, मैं कैमरे बंद करा के बोल दूंगा भीड़ ने मारा, भीड़ पे कोई केस नहीं होता। एक मिनट, तुम्हें भीड़ से डर तो नहीं लगता? है नहीं गुरुजी। हाँ तो फिर तुम पिटो। अरे सुनिए, अरे सुनिए तो सही, अरे यार कहाँ छोड़ने जा रहे हो? एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए आइए अनुभव सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव सर, आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच, और ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी दर्शक हमें टीवी पे देख रहे हैं, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शनिवार और इतवार हमको मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जब बकाया, थैंक यू।